हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मास्टर ऑफ कॉमर्स। अगर आप परस्यू कर रहे हैं UPSC, सो इसके इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कि आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। UPSC से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाता है। सो गाइस, स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मास्टर ऑफ कॉमर्स जो है आपका कोर्स, में काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके मैंने ऑलरेडी अपलोड आपको अवेलेबल करा दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आपको पता होगा मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 रहते हैं और 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है इन्हें कंप्लीट करने के लिए। टोटल 6 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होता है। सेक्शन ए में से आपको 3 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में से 1 क्वेश्चन एंड सेक्शन सी में से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। वर्ड लिमिट हर क्वेश्चन पेपर के लिए अलग अलग रहती है। तो यहाँ पर सेक्शन ए में आपको 16 मार्क के लिए जो क्वेश्चन रहते हैं, आपके फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था से मीडियन वैल्यू दी गई थी आपको डिस्ट्रीब्यूशन के और फ्रीक्वेंसीज मिसिंग थी तो उनको आपको निकालना था, अननोन फ्रीक्वेंसीज जो भी इसके अंदर दी गई हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन था क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर है, नॉर्मल सी बात है स्टैटिस्टिकल पोर्शन तो आपका आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 16 मार्क्स का, उसमें आपसे SD एंड क्वार्टाइल डेविएशन पूछा था डाटा देने के बाद में। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था जो कि आपके डाटा के लिए दिया गया था। तो यहाँ पर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इसमें पूछे गए थे। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे फ्यूचर इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा था और आपको ये डाटा की अवेलेबिलिटी दी गई थी। लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था लिस्ट द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाई दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ सेंट्रल प्लेस इन स्टैटिस्टिक्स। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेक्शन ए के। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। 16 मार्क का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको 4 to 5 pages, मतलब फ्रंट और बैक को कंक्लूड करके मैं बोल रही हूँ, आपको आंसर करना चाहिए 4 to 5 pages का। आगे बात करते हैं सेक्शन बी की। तो 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, 1 आंसर करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्टेट एंड प्रूव द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन थियोरम ऑफ प्रोबेबिलिटी विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फाइंड द कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस वैन आपको डाटा दिया गया है, मीन और मीडियन मोड तीनों चीज़ें दी गई हैं, स्क्यूनेस की आपको कोफिशिएंट निकालना है। सेक्शन सी में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे 3, इनमें से आपको आंसर करना है 2 का। सेक्शन बी कल मैं आपको बता दूँ टेक मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो आपको 2 to 3 pages में आंसर कर देना चाहिए। हालांकि स्टैटिक्स या मैथ्स का पोर्शन है तो आपकी वो आंसर पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी या कितना लॉन्ग आपका आंसर रह जाता है, उसमें तो पेजेस का कोई इश्यू नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए आपके वर्ड लिमिट या पेज लिमिट यही रहेगी। सेक्शन सी की बात करें तो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 6 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, इसमें से आपको 3 में से 2 अटैम्प्ट करने थे। तो यहाँ से पूछा गया था इंडिकेट सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टी टेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये कुछ आप क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप UPSC में MCOM के एग्जाम देने वाले हैं तो इनको प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा। 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको 1 to 2 pages आंसर कर सकते हैं, फ्रंट और बैक साइड दोनों कंक्लूड करके ही बोल रही हूँ, उतना आपके लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन में काफ़ी रहेगा। ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।